हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज पारेख, आप सभी के साथ में। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर, ये कोई अपनी कॉन्टेक्स्ट, सिलेबस, क्लास, इन सबसे परे ये चीज है। ज्ञानवापी विवाद बहुत अभी चर्चा में है, हर न्यूज में, हर चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्ञानवापी से रिलेटेड डिस्प्यूट को लेकर के पक्ष विपक्ष, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस हैं। और उन सब के बीच में हम जो एक 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 सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, हमारी ड्यूटी ये बनती है कि रियल इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। और मेरे लिए एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक कुछ नैतिक दायित्व बन जाते हैं जिन चीजों के फॉलो करते हुए हम एक रियल इंफॉर्मेशन सब तक हम पहुंचाएं। एक छोटी सी कोशिश यहाँ पे हमने की है। बिकॉज देखिए, हिंदुस्तान में हर चीज, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए कंट्री वेयर रूल ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल। हम किसी व्यक्ति के कानून से बंधे हुए नहीं हैं, हम रूल ऑफ लॉ से चलते हैं। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या है, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत देख के मेजर बात करेंगे कानून पे। भाई लॉ क्या कहता है? अगर मान लीजिए लॉ कहता है ये सब चीजें ठीक हैं, तो हमारा नजरिया होना चाहिए भी ठीक है। अगर लॉ कहता है ये चीजें गलत हैं, एग्जिस्टिंग लॉ, तो भी हमें उसको गलत कह देना चाहिए। तो एक सोसाइटी का फैब्रिक जो है ना, हमारा सोशल फैब्रिक, एक कम्युनल फैब्रिक, वो कम्युनल हार्मनी बनी रहे और चीजों को हम तरीके से समझें कि रियलिटी है क्या। चलिए कुछ शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, बट लिमिटेड टाइम में कुछ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। दोस्तों, तो सारा जो एक विवाद है वो यहाँ पे, ये काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं, ये आप ज्ञानवापी कैंपस आप देख पा रहे हैं। पॉइंट ये है कि एक पक्ष का मुद्दा है कि ज्ञानवापी वाला जो ये कैंपस है, ये किसी समय पे मंदिर था और इसे तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, और उसके बहुत सारे प्रमाण और उसके पीछे की इस तरह की दिखने वाली दीवार जो मंदिर नुमा दिखती है, इसके ऊपर ये क्लेम किए जा रहे हैं। मेरा ओपिनियन बहुत न्यूट्रल है, मैं दोनों पक्ष की बात बता रहा हूँ, क्या क्या पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं जी, ये मस्जिद ही है, और एक हवाला दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस कैंपस में, जो रियल कैंपस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कैंपस में एक टेम्पल की जहां पे इजाजत है पूजा करने की, वो है श्रृंगार गौरी मंदिर। ठीक है, श्रृंगार गौरी मंदिर में एक समय तक तो नियमित पूजा के वहां पे पोजीशन, एक अवसर दिए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, चैत्र नवरात्र जो होता है, चैत्र महीने का जो नवरात्र आता है, उसकी चतुर्थी जो तिथि होती है, फोर्थ डे ऑफ नवरात्र इन द मंथ ऑफ चैत्र, सिर्फ उसी को पूजा करने की छूट दी गई। तो अभी हाल ही में 5 महिलाओं ने अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग किया, लीगल राइट्स को यूज किया, और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो श्रृंगार गौरी मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन हमें पूजा करने की इजाजत होती है, हम ये चाहते हैं कि भाई हम वहां पे सारे साल पूजा करें, और साथ ही साथ कैंपस के अंदर बाकी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उनकी भी हम पूजा कर सके। तो ये प्रश्न आया कि क्या वाकई में अंदर कुछ है, तो कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया कि पहले इसका सर्वे करा लिया जाए। अब सारी विवाद शुरू हो गया सर्वे को लेकर के। ठीक है सर, बात को ध्यान से समझिएगा, फाइल हो रही है एप्लीकेशन, सेम शबरीमाला में क्या हुआ था, शबरीमाला केस में भी 5 जो एडवोकेट्स थी, उन्होंने फाइल किया शबरीमाला के अंदर, उन्होंने केस जीता, बिकॉज रूल ऑफ लॉ है, सबके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया, सर्वे के लिए कह दिया कि भाई सर्वे कराया जाएगा। अब जो डिस्प्यूट है वो सर्वे पर है कि सर्वे क्यों कराया गया। एक पक्ष कहता है कि भाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लीगल राइट है, इसलिए सर्वे होना चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि रेफरेंस दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, कि भाई उसके बाद में जो पार्लियामेंट ने लॉ बना करके ये स्टैब्लिश कर दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो प्लेस ऑफ वर्शिप जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, यानी जिस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो मंदिर, चर्च है तो चर्च, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, मॉस्क है तो मॉस्क, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। इसी एक्ट में, जो एक्ट आपने नाम सुना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस 1991 के एक्ट का क्लॉज नंबर 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 नंबर का एक्ट है, वो इसमें एक्सेप्शन डालता है कि ये जो एक्ट है ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर यहां तक का मुद्दा आपको समझ में आ गया। अब लड़ाई कहाँ है,
झगड़ा शुरू हुआ है इस कैंपस के सर्वे को लेकर कि क्या सर्वे होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और नहीं होने का मतलब यह है कि उसका हवाला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो अब हम क्या करते हैं, मुद्दा चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो एक बार अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने, न्यायालय ने, अगर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है तो एक बार पर्टिकुलर लॉ को हम भी देखें, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कानून में लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसी हवाले से जब मैंने इनको स्टडी किया तो दो एक्ट मेजर निकल करके आते हैं, एक 1991 का एक्ट है और एक 1958 का एक्ट है। उन दोनों कानूनों के जब कुछ लिमिटेड क्लॉज, कुछ जो उसके प्रोविजन है उनको हमने पढ़ा तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो गई कि क्या वाकई में लोअर कोर्ट ने पार्लियामेंट के उस लॉ को चैलेंज किया है। लेट्स सी, आप भी देखिए और चीजों को समझिए। उस झगड़ा जो है सारा का सारा वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 का, ये एक्ट है 42nd ऑफ 1991, 18 सितंबर 1991 को। और ये क्या बात कहता है, इस लाइन को पढ़ लीजिए, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एट इज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th of August 1947। 1947 के 15 अगस्त के दिन जो जैसा था उसको वैसा ही कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके क्लॉज 5 जो है, क्लॉज 5 ने एक्सेप्शन किसको किया है, एक्सेप्शन यानी अपवाद किया है राम मंदिर और बाबरी केस, मस्जिद वाले केस को। चलिए सर, ये कहां कहां लागू होगा ये सारी बातें हम करते रहे। पॉइंट जो हमारा मेजर आता है वो आता है क्लॉज नंबर 4। ये क्लॉज नंबर 4 जो आप देख रहे हैं इसी प्रोविजन, इसी स्पेशल प्रोविजन एक्ट का है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। सर कहां कहां लागू होगा ये बता रहा है, कौन कौन से एरिया। अगेन उसने क्लियर कर दिया कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन द 15th of August 1947 शैल कंटिन्यू, हाईलाइट कर रहा हूं, शैल कंटिन्यू टू बी द सेम, यानी मस्जिद है तो मस्जिद, मंदिर है तो मंदिर, एज इट एग्जिस्टेड ऑन दैट डे। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, उस दिन होना चाहिए। कुछ इसी ही तरीके की बातें पॉइंट नंबर 2 में की गई, बात यहां भी समझ में आ गई। लेकिन एक चरण थोड़ा आगे आइए और इसका क्लॉज नंबर 3 देखिए, यानी सेक्शन नंबर 4 क्लॉज नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 4 का सब क्लॉज 3 है, ये क्या कह रहा है थोड़ा देखें। नथिंग, हाईलाइट कर रहा हूं, नथिंग कंटेंटेड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। कहने का मतलब कि सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 में जो भी लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा। कौन सी बातें सर, ये रहा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये देख रहे हैं आप, ये एप्लीकेबल यहां पर सब सेक्शन 1 और 2 का एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट ए पढ़िए, सारा विवाद यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। समझ लीजिए, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी पूजा का स्थल, रेफर्ड टू इन द सेड सब सेक्शन विच इज एन एंशंट, जो प्राचीन एंड हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, यानी कोई प्राचीन और ऐतिहासिक कोई स्मारक हो, एन आर्कियोलॉजिकल साइट, कोई पुरातत्व एक स्थल हो, और रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है कोई अवशेष हो, कवर्ड बाय द एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी कोई ऐसा स्थल हो, पूजा का स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो जो कि कवर की जा चुकी हो एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बात समझ रहे हैं, यानी ऐसी कोई साइट पर्टिकुलर, मान लीजिए पर्टिकुलर एक एक्स प्लेस है, वो इस एक्ट 1958 के एक्ट के अंडर डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो उसके ऊपर ये 1991 वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 के सब क्लॉज ए में साफ साफ लिखा है। अब लड़ाई कहां है ये समझा जाए कि सर अब एक बात बताइए कि वो जो ज्ञानवापी कैंपस है, ज्ञानवापी कैंपस को चेंज नहीं करने की दुहाई अगर इस बिहाफ पे दी जाए कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स एक्ट क्या उस पर लागू होता है, अगर लागू होता है तो आप क्या मानेंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ ने जो डिसीजन दिया है वहां सर्वे कराने का, बिकॉज आपत्ति किस पे है, सर्वे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कानून यही है कि जो जैसा है वैसा रहेगा, दैट इज ओके, लेकिन एक्सेप्शन भी तो इसी जो हमारा एक्ट है उसमें दे दिए गए।
इस एक्सेप्शन को पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है कि हाँ सर, अगर कोई ऐसा प्राचीन स्मारक हो, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो, कोई अवशेषों का स्थल हो जो साहब इस 1958 के एक्ट में कवर होता है, उसे हम इसमें शामिल नहीं मानेंगे। तो एक यात्रा हम करते हैं अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 की। कम टू द पॉइंट, इस एक्ट को देखिए। ये एक्ट के अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, माय डियर फ्रेंड, सेम चीज है। एक्ट नंबर 24 ऑफ 1958 साफ लिखा हुआ है। ये रहा 24 ऑफ 1958, सेम एक्ट है। हाँ जी, 28 अगस्त 1958 को इशू हो रहा है। पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। मेजर पॉइंट हमारा आता है इसकी डेफिनेशन में। भाई किसे आप एंशियंट मॉन्यूमेंट्स मानेंगे? पॉइंट ये लिखा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ए एंशियंट मॉन्यूमेंट मीन्स एनी स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा, इरेक्शन, कोई भी उठाव, कोई पिलर, कोई स्मारक और अ मॉन्यूमेंट, और एनी टूमल और प्लेस ऑफ इंटरमेंट, यानी कोई टीला कह लीजिए, या कोई दफन की हुई जगह कह लीजिए, कोई गुफा कह लीजिए, कोई रॉक स्कल्पचर कह लीजिए, कोई शिलालेख जिसे हम कहते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन कह लीजिए, या तो कोई मोनोलिथ कह लीजिए। मोनोलिथ होता है शिला, एकाश्म, एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनी हुई। तो शिवलिंग क्या होता है? मोनोलिथ ही तो होता है, एक ही पत्थर से तैयार होता है। रॉक स्कल्पचर्स वहां पे केव्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई स्ट्रक्चर, कोई ढांचा हो या नहीं हो। अब सोचो सर, विच इज ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट इन विच हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर्स, यानी 100 साल से उसको निर्माण हुए कम से कम हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए ये 1958 का एक्ट भी कहता है कि भाई मिनिमम 100 साल होने चाहिए, तो 1958 से 100 साल पीछे जाएंगे तो आप 1948 पे आ जाएंगे। ये सुन लो, 1948 1949 पे आप आ गए, उसके तो सॉरी 1848 1849 पे आप आ गए। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम राइट। तो भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? एंड इंक्लूड्स द रिमेन्स ऑफ एन एंशियंट मूवमेंट, यानी उसके अगर अवशेष भी बचे हुए हैं वो भी साइट में काउंट हो जाएंगे। द साइट ऑफ एन एंशियंट मूवमेंट, अगर मान लीजिए अवशेषों को साफ कर दिया गया, उस जगह को पूरा तहस नहस कर दिया गया, तो जो लोकेशन है पर्टिकुलर वो भी काउंट हो जाएगी। तीसरा देखो, सच पोर्शन ऑफ लैंड एडजॉइनिंग द साइट, यानी उसके लगता हुआ ऐसा एरिया, फॉर एन एंशियंट मोनुमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फेंसिंग और कवरिंग इन और अदरवाइज प्रिवेंटिंग सच मोनुमेंट्स, यानी उस स्थल को बचाने के लिए इवन आसपास के एरिया को भी फेंसिंग करना है, उसको भी कवर होगा। द मीन्स ऑफ एक्सेस टू एन कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशियंट मोनुमेंट, यानी एक कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि काशी विश्वनाथ मंदिर और बगल में जो ज्ञानवापी कैंपस है, क्या वो 1958 से 100 साल पुराने भी नहीं है? सोचने वाली बात है। और जब उसके तहत हम देखेंगे तो ये एक एंशियंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर होगा, अनडाउटली होगा। और जब यहां पर हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज ए कहता है कि इसका एक्सेप्शन है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर कवर नहीं होते, तो कोर्ट कहां गलत है अगर उन्होंने सर्वे करा लिया? सारी बात कोर्ट ऑफ लॉ पे है। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों को देख करके समझ में आता है कि वी मस्ट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज दुनिया देश हमारा कानून से चलता है। कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का किसी का कोई राइट नहीं है, कम्युनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई राइट नहीं। बिकॉज केस क्या है सर, साउथ में सबरीमाला टेम्पल में जब ये विवाद हुआ, सबरीमाला टेम्पल के बाद में कि सर इसमें विमेन को एंट्री होनी चाहिए, उस समय बहुत से लोग जो एक ट्रेडिशनल थे या कंजर्वेटिव थे, उनको ऑब्वियसली बुरा लगा होगा। लेकिन रूल ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ ने जो डिसीजन दिया, उसके बाद महिलाओं की एंट्री हो गई। शनि सिंगणापुर, शनि मंदिर, महिलाओं की एंट्री वर्जित थी, एंट्री वहां हो गई। तो चीजें परिवर्तन होता है, चेंज होती हैं, अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। तो हर चीज को सिर्फ एक ही नजरिया कि सर 1991 का एक्ट है, उसमें तो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है, तो एक्ट का क्लॉज 4 उसका सेक्शन 3 थोड़ा सा पढ़ें, पढ़ करके फिर एक बार 1958 का आर्कियोलॉजिकल एक्ट को देखें, आपको समझ में आएगा कि कोर्ट कभी भी, कोर्ट एक्चुअली खुद के ही मतलब पैर कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। सो दैट किसी भी बहकावे में मत आइए, अपने हार्मनी को, देश की हार्मनी को बनाए रखना है, और ये जो सोशल फैब्रिक है हमारा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। खैर, तो पॉइंट अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन पे हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका कहीं भी किसी भी तरह से वॉयलेशन या नहीं है, बिकॉज उसी के अंदर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद दिया है, उसका परंतुक है,
उसके थ्रू अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे सर्वे होना लीगल है, 100% लीगल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको समझ आया होगा, और इसको लेकर के आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बने रहिए मानस अकेडमी पे, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।